गुड मॉर्निंग खाओ दोस्तों। अरे वाह, इतनी मीठी गुड मॉर्निंग हो जाए तो कितना मजा आ जाए। तो दोस्तों हम दोनों तो हो गए हैं रेडी, लता मैम रेडी हो रही है, हम दोनों को जल्दी भूख लग गई थी क्योंकि सुबह के जल्दी उठे हुए हैं, तो हमने सोचा चलो जब तक लता रेडी होती है हम दोनों चल के नाश्ता कर लेते हैं। तो फन होटल में ही हैं, आगरा में ही हैं, तो चलिए हम और आप मिलकर गुड मॉर्निंग करें और ब्रेकफास्ट करें। यस, चलिए भूख लगी, आइए भागिए। तो दोस्तों यहाँ पर बुफे ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, आगरा की फेमस पूड़ियाँ और ये छोले लग रहे हैं, छोले ही हैं, पराठे हैं, साबूदाना की खिचड़ी है और ये कमाल की चीज़, ये हमने कभी पहले नहीं खाई, लौकी की खीर है। तो अभी आरव है कन्फ्यूज कि क्या खाएगा, कुछ सोचा भाई? नहीं, चलो दूसरी तरफ जाके देखते हैं और क्या क्या। चलो चलिए, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? ओह, ये तो हेल्दी डिपार्टमेंट, फ्रूट्स, सैलड्स, ये सब यहाँ पर है, योगर्ट है, ब्रेड, टोस्ट, एंड लेट्स गो दैट साइड, लेट्स सी व्हाट्स देयर। कम ऑन, आई एम फॉलोइंग यू। ओह, दिस इज आई थिंक सम क्वांटी स्टफ, नो दिस इज इडली, इडली सांभर चटनी। ओह, सांभर इज हियर, हॉट सिमरिंग, ये मैं बोला ना क्वांटी स्टफ होगा, बेक बीन्स एंड ओह सम सौते वेजिटेबल्स, ये तो लता की फेवरेट है, आई थिंक यही खाएगी। फ्रेंच टोस्ट, वाओ, एंड हेल्दी, संडे हो या मंडे खाओ अंडे। चलो अब हम डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है, आइए। तो फाइनली डिसाइड कर लिया, आरव क्या लिया आपने? हमने लिया इडली सांभर और चटनी। इतना कुछ खाने को था तो इडली सांभर क्यों लिया खाली? कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, वही सेफ ऑप्शन था। सेफ ऑप्शन, और मैंने लिया दोस्तों ये पूरी, साथ में गाजर का अचार और ये मटर, हमको छोले लग रहे थे लेकिन ये सफ़ेद मटर है वो हमने लिया। तो चलो ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं और आपको इनका स्वाद बताते हैं, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ लेना बाकी है, क्यों? हाँ जी हाँ। चलो नन्हे मुन्ने साथी शुरू हो जाओ, टेस्ट करते हैं। गर्मा गर्म इडली, गर्म है, चम्मच से तोड़ लो। हाँ, क्या बात है, नारियल की चटनी, हाउज इट? मुंबई से बेटर है कि वैसा ही है? सेम। सांभर कैसा? वो बेटर है। काफ़ी उसमें से वो हिंग की स्मेल आ रही है, समझ ना, खट्टी खट्टी। चलो जी, आरव ने तो कर दिया इडली और सांभर पास, अभी मैं शुरू करता हूँ पूड़ी और मटर खाने, आइए। तो दोस्तों अब मैं ट्राई करता हूँ पूड़ी और चने की सब्जी। हाँ, पूड़ी, बस पूड़ी है कि भटूरा है, इसमें काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। आगरा की मटर की सब्जी, वाह। आई लव यू, ट्राई दिस, ओके आई विल, बहुत अच्छा टेस्ट है, स्पेशली ये पूरी कुछ अलग है, देख इसके अंदर कुछ डाला हुआ है, धनिया, जीरा, जो भी है, मैदे की लग रही है क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद है। और ये चने की, चने की, फिर चने बोल रहा हूँ, मटर की सब्ज़ी ना बहुत कमाल की है। और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आओ और विंटर सीजन में गाजर का अचार ना खाओ ना, मज़ा आ गया। क्या बात है। हाँ दोस्तों, अभी ये चीज़ें ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं हम और क्या क्या खाते हैं, चलते रहिए। तो दोस्तों मैं पता करके आया हूँ, ये जो मिस्टीरियस चीज़ थी ना, जो मैं, जिसको मैं कभी पूड़ी समझ रहा था, कभी मैं उसको भटूरा समझ रहा था, ये एक्चुअली है लूची। तो एक कॉम्बिनेशन है लूची और मटर की सब्जी का, जो कि वाकई में ही कमाल का कॉम्बिनेशन है, सच कह रहा हूँ। अगेन गाजर का अचार, अचार स्वाति, दो पूड़ी और, सॉरी दो लूची और ले आया। तो हेलो दोस्तों, आज मैं खुद शॉट ले रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने मंगाई है चाय। ये देखिए बड़ी सुंदर सी चाय आई है दोस्तों, और हमने आज चाय नहीं पी इसलिए हम पीने जा रहे हैं, देखते हैं ध्यान से चाय। तो फ्रेंड्स, आपने हमारा तो नाश्ता देख लिया, लुच्ची और मटर, और अब इनका भी नाश्ता देख लीजिए, ये खा रही हैं क्या, मफिन एंड कैपुचिनो। गुड मॉर्निंग विद अ स्वीट ब्रेकफास्ट। यस, सुबह मुझे मीठा मीठा चाहिए, थोड़ा नमकीन नहीं खा पाती हूँ सुबह इतना। नमकीन लोग नमकीन चीज़ें नहीं खाते वैसे, है ना, हम जैसे स्वीट लोग खाते हैं लुचियाँ और छोले और मटर।
अच्छा खाना चाहिए वेरी गुड। सो ऑन दिस स्वीट नोट अभी हो गया है ब्रेकफास्ट, अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ा बहुत आगरा और घूमेंगे और फिर बढ़ेंगे दिल्ली की ओर, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले स्टॉप पर, सी यू। तो दोस्तों हम लोग आ रहे हैं आगरा फोर्ट और ये बहुत सुंदर लग रही है। अब हम गाइड के साथ इसके अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। चलिए लग रहा है पुलिंग। हाँ चलिए। तो दोस्तों पहुंच गए हम फोर्ट के बाहर, बस अभी अंदर जा रहे हैं। आरव आज बहुत एक्साइटेड है, क्यों भाई? क्योंकि मुझे एंशियंट चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता है और ये बहुत सुंदर फोर्ट है, देखिए देखिए देखिए। चलिए मम्मा देखो ऑल द किड्स वो जो ऊपर है ना, हिस्टोरिक प्लेसेस वो ऊपर जो है ना वो देखो। ओ आगरा फोर्ट के अंदर दोस्तों ये है जहांगीर पैलेस। बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है इस फोर्ट की, अगर मैं सारी बताने गया यहाँ पर जो हमारे जो गाइड हैं बता रहे हैं तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। बट डेफिनेटली जब भी आप आगरा हैं ताज तो देखिए देखिए, बट ऐसी बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में जो आपको देखनी चाहिए, और ख़ास करके आगरा फोर्ट यूनिक कहानी। 100 साल लगे इसको ऑलमोस्ट बनाने में और 5-6 राजाओं का हाथ है, मतलब अकबर से लेकर औरंगजेब तक। कैसा लग रहा है अभी तक ये आगरा का रेड फोर्ट? बहुत ही अच्छा, एकदम हिस्टोरिक और बस बता नहीं सकते एक्चुअली वर्ड्स में, मतलब आरव ने सच्ची में डिस्क्राइब किया ये आर्किटेक्चर को देखकर कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग बुद्धू हैं सच में। वहाँ लोग उस जमाने के लोगों ने क्या क्या सोच के बनाया गया, मतलब नेचुरल एयर कंडीशनिंग तक है इन बिल्डिंग्स में। हाँ हाँ टेक्नोलॉजी में बदल गई है। शीश महल में नहाया करती थी रानियाँ, क्या बात है। मिसाइल होता है ऑयल, हाँ ऑयल डाल के डालते थे। देखिए हम जब ताजमहल नजदीक से देख रहे हैं तो हम रिवर भी देख रहे हैं और हम काफ़ी ऊंची हाइट में भी हैं। हाँ जो हाइट पीछे है, अच्छा रिवर गार्डन सब कुछ देख रहे हैं, जो हम आई लेंस से तो पूरा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, इधर उसी पे फोकस है। एक सी सेम लेवल हो रही है, उसके पास ऊंचाई दिख रही है और हम जो पूरा व्यू गार्डन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बाहर से भी दिखाऊंगा वो नीचे भी ना जा पाएगा तो टाइगर के अंदर। और ये जान मुझे जंगल जैसा बना रहा था टाइगर के लिए ताकि दिखे भी ना टाइगर। मैं बोल रहा था ना ताजमहल फ्लोट करता है, आप माने नहीं थे। देखा अब करता है सच्ची में। हेलो तभी मतलब वो इतना स्टेबल है और वो वुड भी कोई अलग है ना। वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी बिल्डिंग्स कहीं भी नहीं है पानी पे बनी हुई जिसको लोग चलते हैं, इसका टिकट्स लगाने का रीजन भी यही है क्योंकि पहले लोग टूरिस्ट आते थे तो 40 रुपीज़ का 20 रुपीज़ का टिकट था, टूरिस्ट ज़्यादा रहते थे। तो दोस्तों ये था खूबसूरत आगरा फोर्ट, मज़ा आ गया इतिहास के कुछ पन्नों में झांका हमने और जो जो चीज़ें पता चली ना कमाल की थी। अब आरव से पूछते हैं क्योंकि उसने भी देखा है ये फोर्ट। आरव हाउ डिड यू लाइक एंड व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट अबाउट दिस फोर्ट? बहुत अच्छा था, हमको बहुत सारी हिस्ट्री और वो सब पता लगा और सबको आना चाहिए, हाईली रिकमेंड। और फिर बहुत मज़ा आता है और हर चीज़ हम एक्सप्लोर करते हैं जो अकबर की फैमिली की चीज़ें भी। वेरी नाइस वेरी नाइस। फेवरेट वाज जहांगीर टब। ओके यू लाइक द टब? ओके वेरी बिग। एक एक चीज़ देखने वाली है और एक एक चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि बस कभी कभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि 500 साल पहले भी ये सब कुछ हुआ करता था। तो जब भी आगरा आइए ताज, जैसे मैंने कहा ताज भी देखिए और
ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, क्यों लता? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आइए, बच्चों को लेके आइए ताकि वो भी देखें। चलिए अब हम चलते हैं आगे दिल्ली की ओर और देखते हैं और हमारे लिए रास्ते में और क्या क्या है। क्यों? मैकडॉनल्ड्स है। चलिए बाय। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं शिवा ढाबा में। वाह, यहाँ पर खाएंगे लंच। आगरा से जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। वाह, और ये बहुत आज खुश हैं क्योंकि इन्हें रास्ते में प्योर वेजिटेरियन ढाबा मिला है। And I'm hungry now. Yes, नाश्ता जो नहीं किया, क्या किया खा था? मफिन एंड कॉफी। रास्ते में स्नैक किया थोड़ा सा बस। वो तो रास्ते भर तो खाते पीते ही चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वृंदावन में है ये ढाबा, ऑन द वे फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, यमुना एक्सप्रेस वे पर आता है। नाम तो ढाबा है बट इट लुक्स रियली बिग एंड ह्यूज। दोस्तों ये ढाबा कम मैरियट ज्यादा लग रहा है। ढाबा कम मैरियट ज्यादा लग रहा है, मतलब फाइन। नॉट अ स्पॉन्सर। हां, मतलब फाइन डाइनिंग। चलो लेट्स गो। ठीक है, मैंने बोला नॉट अ स्पॉन्सर। लुक कैसा है ये मामा यादव का शिवा ढाबा। करेक्ट। ओह वाओ, क्वाइट बिग ह्यूज। आ जाओ। यस, काफी कुछ है इसके अंदर। ये वो चीजें हैं, शॉपिंग एरिया, आइसक्रीम, गेम जोन भी है इसके अंदर। आरव देख रहा है मेन्यू कार्ड, क्या सिलेक्ट किया आरव? देख रहे हैं, अंकल बोल रहे थाली अच्छी होती है। हाँ तो वैसे थाली अच्छा, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन। अच्छा ये इसमें क्या क्या थाली में? कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, मटर पुलाव, बॉन्डी रायता, बूंदी रायता, अच्छा अच्छा बूंदी रायता, सलाद, अचार, पापड़ एंड लच्छा पराठा, बटर नान एंड वन स्वीट। ओ, ये तो क्या है? सब लोग, हम लोग एक ही थाली में खा लेंगे। जैन थाली है, वेज थाली भी है, सीजनल थाली भी है। कौन सी थाली? सीजनल थाली, सीजनल थाली। मक्की की रोटी, सरसों का साग, खीर, गुड़ 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 दही, सलाद एंड अचार। अभी नहीं ना सीजनल, ये अवेलेबल नहीं। अच्छा ये अवेलेबल नहीं है सीजनल। तो दोस्तों मेनू कार्ड देख रहे हैं अभी, सिंगल आ जाए तो डिसाइड करते हैं क्या खाना है फिर ऑर्डर। पापा दो इधर अंदर का सेक्शन है शिवा ढाबा का, काफी बड़ा ह्यूज और खाना आ भी चुका है। ये आरफ के राजमा चावल आ गए हैं, रोहित मक्खन मार के गुड क्वांटिटी ऑफ राजमा, प्याज, चटनी और हरी मिर्च। हमारी प्लेटें अभी तक खाली क्यों है मैम? दोस्तों ये है कढ़ाई पनीर, साथ में आई है तंदूरी रोटी और ये फेवरेट इनकी लस्सी रोटी। और तेरी अब कुछ होश नहीं है बाकी। और आरव एंजॉय कर रहा है अपने राजमा चावल। क्यों भाई कैसे सही है? खाकर इसका टेस्ट बताएंगे। ये हो रही है शूट, व्हाट्स इन माय थाली, और ये है मेरी थाली। इसमें मैंने भी डाला है कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी, प्याज, हरी मिर्च और चटनी। आइए खाएं और बताएं स्वाद। तो मिस्सी रोटी के साथ लगाया जा रहे हैं कढ़ाई पनीर है। ये कढ़ाई पनीर में पहली बाइट में मेरे मुंह में जो है साबुत धनिया आ गया। अच्छा साबुत धनिया आ गया, मतलब ये असली कढ़ाई पनीर है। कैप्सिकम मिसिंग नहीं लग रही है? है कैप्सिकम बीच में। अच्छा है क्या? मैंने ली बाइट में मिस्सी रोटी के साथ। कैसा लग रहा है कॉम्बो? सही है, दाल में चावल उड़ाओ। चलिए दोस्तों मैं भी खाकर देखता हूँ इस कढ़ाई पनीर का स्वाद। ये देखो एग्जैक्टली तुमने बोला ना, वो है इसमें धनिया का स्वाद। गोभी शलगम का अचार, दोस्तों ये तो हो गया पनीर, ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है क्योंकि आरब की प्लेट में भी राजमा बचे हुए हैं, वो भी हम जरूर चखेंगे, है कि नहीं? गुड पंजाबी लंच इन्ना कंप्लीट। कहते हैं वेजिटेरियन ढाबा है, प्योर वेज,
और इतना फेमस क्यों है वो यहाँ का खाना आपके पता चलेगा। तो हम इन्जॉय करते हैं अपना लंच, कुछ और आएगा तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स लंच हो गया बहुत बढ़िया। अब ये एक सुवेनियर शॉप है इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, नाइस ब्यूटीफुल थिंग्स आपका ट्रिप का अगर कुछ यादगार करने के लिए सामान लेना तो बहुत खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। पुराने कॉइन्स पड़े हैं यहाँ इंडिया के 1 पैसे से लेकर 20 पैसे तक। नाइस स्टफ। ये लोग भी दोनों लगे हुए हैं, कुछ चूज़ किया कि नहीं अभी तक? अरब नहीं अभी नहीं, अभी नहीं लगेगा समय। तो फ्रेंड्स बढ़िया सा वेज खाना खा लिया, मिस्सी रोटी, हाँ और क्या तुमने क्या खाया? कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर हम दोनों ने खाया ना, कढ़ाई पनीर राजमा चावल हो गया हमारा। एंड वहाँ से मुखवास खरीद लिया, मुझे ये बहुत पसंद है जो ड्राई पान वगैरह आता है ना, मुखवास बोलते हैं ये सूखा पान, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और बस अब खाने के बाद इसका मजा लेंगे। लस्सी क्यों नहीं पी? लस्सी पीछे तो नींद ही आ जाती फिर मुझे, पूरा दिन आलस में गुजरता। और अभी दिल्ली जाके बहुत कुछ खाना है फ्रेंड्स के यहाँ, इसलिए। तो चलिए दोस्तों अब दिल्ली का सफर फिर से शुरू करते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, हमारे नन्हे मुन्ने साथी बैठ गए गाड़ी के अंदर। कहाँ हैं ये रहे नन्हे मुन्ने साथी? बाय बाय। तो चलिए अब दिल्ली चल कर मिलते हैं, आइए। तो दोस्तों ये है खूबसूरत यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा से नोएडा तक का जो है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, लेकिन गाड़ी ज़रा ध्यान से चलानी पड़ती है, स्पीड लिमिट्स हैं, कैमरास लगे हुए हैं, सो केयरफुली ड्राइव कीजिए जब भी आप इस हाईवे पे जाएं। तो चलते हैं दिल्ली इसी हाईवे पे, सुंदर से हाईवे पे। तो दोस्तों समोसे देखकर समझ जाइए कि हम पहुंच गए हैं दिल्ली, आगरा से पहुंच गए दिल्ली। और ये आपको जरूर याद होंगे रवि चोपड़ा उर्फ मोंटी, हेलो हाउ आर यू, जो हमारे साथ दिल्ली और कसौली चले थे घूमने, खूब सारे व्लॉग्स किए थे हमने। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा, जरूर देखिए। अब ये मोंटी हमारे साथ एक दो दिन घूमेंगे यहाँ पर दिल्ली में, खूब हमें खिलाएंगे पिलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ खाएंगे पिएंगे हम। और हमारे दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? यही देना चाहते हैं कि खाओ पियो लगे रहो बस। तो दोस्तों आ गए हम दिल्ली, शाम भी हो चुकी है, तो आज का ब्लॉग हमको यही खत्म करना पड़ेगा। तो बस अगले ब्लॉग तक आप सब हमारा इंतजार कीजिए, तब तक खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद।